हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। आपको उसकी लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी, इसलिए कि बहुत सारी बेसिक बातें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट है चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, पहले आप इसको मोटा मोटा सा देसी भाषा में समझिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको किताबी भाषा जो है, जो टेक्स्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग दवाओं के अंदर, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिनको हम किसी प्रोडक्ट के अंदर, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर मिलाते हैं तो वो उसको खराब होने से बचाती हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपके घर के अंदर आपकी मम्मी अचार बनाती हैं तो उसके अंदर एक केमिकल आता है एसेटिक एसिड, ठीक है ना। एसेटिक एसिड अगर आप उसके अंदर डालते हैं तो फिर वो अचार ना जल्दी से खराब नहीं होते हैं, समझ में आ रही बात। तो ये एक तरीके से क्या है, एसेटिक एसिड क्या एक तरीके से प्रिजर्वेटिव है। ऐसे ही दवा बनते समय में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से डाली जाती हैं जो दवा को ख़राब होने से रोकती हैं, उसको डिग्रेड होने से, डिकम्पोज होने से, उसकी केमिकल बॉन्डिंग को टूटने से रोकती हैं, उसका पीएच लेवल चेंज होने से रोकती हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से दवा को ख़राब होने से बचाती हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। उसका एक एग्जांपल है जैसे कि विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल्स आप पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। चलिए अब टेक्स्ट के अंदर देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्रिजर्वेटिव्स इज ए केमिकल सब्सटेंस। प्रिजर्वेटिव क्या है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है। अब ये केमिकल सब्सटेंस होने का मतलब ये ना समझिएगा कि वो लिक्विड है। केमिकल सब्सटेंस होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो लिक्विड हो, ठीक है ना, वो सॉलिड भी हो सकता है। और ये क्या है, ये नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है, ठीक है ना। विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन को और डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट को रोकने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। प्रिवेंट तो जानते हैं, डीकम्पोजिशन मतलब जो उसकी बॉन्डिंग वगैरह है, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह है, वो टूट जाए तो वो चीज़ें डीकम्पोज हो जाएंगी, ठीक। या फिर हम उसको डिग्रेडेशन यानी उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, या डिग्रेडेशन का मतलब समझिए कि वो दवा ख़राब हो रही है, ठीक है ना। इस पूरे का मतलब ये समझ लीजिए कि उसको ख़राब होने से बचाती हैं। अब एक चीज़ और समझिए कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी अनवांटेड केमिकल चेंजेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ या कुछ केमिकल चेंजेस ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्ट के डिग्रेडेशन के लिए। यानी कोई भी प्रोडक्ट ख़राब होता है तो कैसे होता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह, फंगी, इस टाइप की चीज़ें आ गई, उनका ग्रोथ होने लगा, वो बढ़ने लगे तो वो ख़राब करते हैं, या उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो जाए, उसका पीएच लेवल क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना, उसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा आ गई, ठीक, या बेसिक नेचर उसके अंदर ज़्यादा आ गया, तो उसकी वजह से फिर क्या है, चीज़ें डिग्रेड होती हैं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो दवाएँ होती हैं, जैसे खासतौर से जो सीरप वगैरह होता है उसके अंदर एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं बफर सोल्यूशन या बफर सोल्यूशन, वो डाला जाता है तो उसके पीएच लेवल को क्या है, मेंटेन करके रखता है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आपने सिरप लिया, उसको खोल रहे हैं, ठीक, आपने उसको खोला अब पीने के लिए, फिर अब उसके अंदर ऑक्सीजन भी तो जाता है ना, आपने खोला तो हवा के अंदर ऑक्सीजन वो भी जा रहा है उसके अंदर, समझ में आ रही बात, बैक्टीरिया वगैरह भी जा रहे हैं तो उसको ख़राब करेंगे, समझ में आ रही बात। लेकिन जब उसके अंदर हम लोग प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिला देते हैं तो वो इतना जल्दी अब ख़राब नहीं होता, खुलने के बाद भी, वरना अगर वो सारी चीज़ें उसके अंदर ना हो तो आपने दवा को खोल के एक बार इस्तेमाल किया, पता चला सुबह आप इसको यूज़ करने जा रहे हैं तो उसमें से बदबू आने लगेगी, वो ख़राब हो जाएगा, जैसे आपका खाना ख़राब हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जब प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होती हैं तो वो उसको ख़राब होने से बचाती हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ जब स्टोर करके रखा तभी उसको बचाती हैं, बल्कि आप जब यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर और चांसेज होते हैं कि उसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह आ जाएँ, कुछ इन्वायरमेंट के अंदर जो गैसेज वगैरह हैं
वो उसके साथ में रिएक्शन करके उसके पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर दें, समझ में आ रही बात। तो इसलिए इनसे भी उसको बचाते हैं कि ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उसके अंदर चीज़ें आ रही हैं खुलने की वजह से, तो उसको भी रोकते हैं, वो उसकी वजह से खराब होने से रोकते हैं। ठीक, प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट और डीले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। तो जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या डीले करते हैं, देर करा देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप नहीं होने देते हैं। ठीक है, और जो अनवांटेड या अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस हैं उसको वो लोग क्या करते हैं, रोकते हैं या डीले कराते हैं उसको। इसका एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल विटामिन ई एंड सी आर यूज एज ए प्रिजर्वेटिव, जैसे कि विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज होते हैं। दे आर एंटी ऑक्सीडेंट, ये क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट है, ये क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट है। तो ये कैसे मतलब काम करते हैं, तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग, जो भी दवा है उसके ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, यानी कि समझिए उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन को एड नहीं होने देते हैं। जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे ऑक्सीजन आके एड हो जाता है, तो ये उसको रोक देते हैं। ठीक है ना, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, वो दवा डिग्रेड हो जाएगी, उसके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाएंगे, उसकी वजह से वो दवा क्या होगी, केमिकल चेंजेस की वजह से दवा डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्रिजर्वेटिव्स आर कॉमनली यूज टू एक्वस प्रिपरेशन, और ये याद रखिएगा कि जो क्या कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनको हम लोग खास तौर से जो लिक्विड दवाएं हैं, जो एक्वस फॉर्म वाले जो दवाएं होती हैं, प्रिपरेशन होती हैं, उनके अंदर इसको हम लोग यूज करते हैं। सॉलिड फॉर्म में बहुत कम, रेयरली यूज होते हैं, लेकिन लिक्विड वाले में ये ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक, अब ये कि इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, इनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वही आपने जो फार्मास्यूटिकल एड के बारे में पढ़ा है ना, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट इस वीडियो की जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर की, उसमें आपने जो पढ़ा आइडियल प्रॉपर्टीज एक फार्मास्यूटिकल एड का होना चाहिए, वही इसके अंदर भी होना चाहिए। पर यह भी ध्यान रखिए, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये भी एक तरीके के फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो भी एक तरीके के क्या हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इनको अलग से क्या है, स्पेशल करके पूछा आपके सिलेबस में, वरना ये भी क्या है, ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये भी फार्मास्यूटिकल एड हैं। तो ये क्या है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, और क्या कहते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ में वो क्या है, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, रिएक्शन ना करें वो। ठीक है ना, और क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इनके अंदर होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है, बढ़ने ना दें, उनके ग्रोथ को रोक दें या उनको किल कर दें। ठीक है ना, ऐसे क्या, इट शुड बी एनफ एंड इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटी, और इसकी थोड़ी क्वांटिटी ये हमारे लिए काफ़ी हो जाए, ये नहीं कि मतलब हमको एक दवा के अंदर इतनी सारी क्वांटिटी डालनी पड़ रही है तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, बल्कि वो चीज़ ऐसी हो, वो क्या कहते हैं प्रिजर्वेटिव ऐसा हो जो थोड़ा सा हम लोग यूज़ करें तो वो काफ़ी हो जाए प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स विद एग्जांपल, आपके सिलेबस में ऐसे ही पूछा है। ठीक है ना, तो प्रिजर्वेटिव्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना, हम लोग ये ले रहे हैं कैसे उनके सोर्स के, यानी हमको कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इस बेसिस पे ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होगा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। ठीक है ना, एक होगा नेचुरल, दूसरा होगा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। नेचुरल जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिल जाए, एनिमल से मिल जाए, प्लांट से मिल जाए, और क्या कहते हैं मिनरल्स वगैरह हैं उनसे मिल जाए, तो वो हो जाएगा आपका नेचुरल। ठीक है, तो ये जो होते हैं जो नेचुरल होते हैं उनको कहाँ से मिल जाते हैं, प्लांट से मिल जाते हैं, मिनरल से मिल जाते हैं, एनिमल्स वगैरह से मिल जाते हैं। उसके एग्जांपल जैसे कि हनी हो गया, नीम ऑयल हो गया, लेमन जूस हो गया, साल्ट जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये भी एक तरीके का प्रिजर्वेटिव होता है, ऐसे विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, तो ये वो प्रिजर्वेटिव होते हैं जिनको हम लोग लैब के अंदर बनाते हैं। ठीक है ना, केमिकल्स वगैरह को यूज करके हम लोग इनको प्रिपेयर करते हैं, ये हमको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। और ये वाले जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है ना, अभी अगर क्वेश्चन एक नंबर का पूछ ले कि इनमें कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो जो आर्टिफिशियल है या जो सिंथेटिक है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है थोड़ा ही अमाउंट में। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि बेंजोएट बहुत यूज होता है, सोडियम बेंजोएट हो गया, ऐसे ही सोर्बेट्स हो गए, इथाइल अल्कोहल हो गए, तो ये क्या है एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स के। अब हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे, यानी कि अलग अलग मैकेनिज्म के अलग अलग मैकेनिज्म से अलग अलग तरीके से प्रिजर्वेटिव्स काम करते हैं, तो उसके हिसाब से तीन तरीके के हैं ये। ठीक है ना, एक है एंटीऑक्सीडेंट, एक जो प्रिजर्वेटिव है वो क्या है एंटीऑक्सीडेंट है। तो दीज एजेंट्स प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, यानी ऑक्सीजन को एड होने से उस सब्सटेंस के अंदर रोकते हैं। ठीक है ना, प्रिजर्वेशन
का काम करते हैं और उस तरीके से ड्रग को क्या है डिग्रेड होने से खराब होने से बचाते हैं। तो एक एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल क्या है विटामिन ई, विटामिन सी, ऐसे क्या है ब्यूटाइलेटेड, क्या है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, यहाँ पे ये कॉमा नहीं आएगा ठीक है ना, ये एक साथ में है पूरा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके एंटीऑक्सीडेंट के। ऐसे इसके अंदर हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी यूज करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं, विच डिकम्पोज एंड डिग्रेड द प्रोडक्ट। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को डिग्रेड करते हैं या उसको क्या कहते हैं डिकम्पोज कर देते हैं, केमिकल बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं। अब ये एंटी माइक्रोबियल, तो ये जैसे कि आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स होती हैं बहुत सारी, तो वो भी तो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, अलग अलग तरीके के एंटी माइक्रोबियल एजेंट आते हैं ठीक है ना। दो इसके मेन टाइप होते हैं, एक होता है बैक्टेरिसाइडल और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी एक होता है जो साइडल होता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है ठीक है ना, साइडल जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है और जो स्टेटिक होता है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है ठीक है ना, उनको समझ लिया रिप्रोडक्शन नहीं होने देगा, उनको बढ़ने नहीं देगा उनकी क्वांटिटी को, उनकी तादाद को ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करना हम लोगों को, असल में यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल देखना है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट के सोडियम बेंजोएट, और ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट ये वो नहीं है जो आप मतलब आपको अगर ज़रूरत है एंटीबायोटिक लेने की तो इनको यूज़ करेंगे, बल्कि ये वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं जो प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ होते हैं ठीक है ना। नहीं तो पता चला कि किसी को खांसी आ रही है और आपने सोचा कि लग रहा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, तो उसको आप सोडियम बेंजोएट दे रहे हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं करना ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में इसका एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट हो गया, सोरबेट्स हो गए, और क्या है मेथाइल पेराबेन, ये गलत हो गया इसको ठीक कर लीजिएगा, ये क्या है एल हो गया और यहाँ पे ये टी नहीं है ये आर है, जो हमारे मतलब कंपोजिंग करने के लिए हैं वो अब फार्मासिस्ट तो है नहीं तो वो इनको इतनी चीज़ें आती नहीं तो स्पेलिंग में बहुत सारी गलती कर देते हैं वो। तो ये क्या है मेथाइल पेराबेन है और ये क्या है प्रोपाइल पेराबेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के ठीक है ना। अब एक और है चिलेटिंग एजेंट्स, क्या है ये जो चिलेटिंग क्या है चिलेटिंग एजेंट्स ये क्या करते हैं, जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं दीज एजेंट्स मेक द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ठीक है ना। ये जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसमें बहुत आसानी से क्या है उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है उसके साथ में रिएक्शन कर दे रहा है, तो अब ये उसके साथ में जब मिल जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नहीं उसको एकदम कॉम्प्लेक्स बना दिया, ऑक्सीजन को घुसने ही नहीं दे रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उसके अंदर घुस ही नहीं पा रहे हैं, उसके केमिकल बॉन्डिंग को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, समझ में आ रही बात, तो उसी को बोलते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। तो ये दीज एजेंट्स मेक दी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये याद रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं प्रोडक्ट को और इस तरीके से डिग्रेडेशन को रोकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं ये है ना EDTA, ये बहुत आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, इसका पूछता है कि फुल फॉर्म बताइए EDTA का क्या है। तो मैंने इसको ये सब एक साथ लिखा जाता है, मैंने अलग अलग किया था ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे तो एथिलीन या एथाइलीन, लेकिन असल में पढ़िए आप एथिलीन डाइअमीन, ये अलग होना चाहिए यहाँ से ठीक है ना, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसेटिक एसिड, एथिलीन डाइअमीन अलग अलग करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा ना, एक ही साथ देखेंगे तो आपको यार सोचेंगे यार इतना बड़ा कौन याद करे छोड़ो ठीक है ना। तो आप इसको याद करिए एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसेटिक एसिड ADTA। ऐसे क्या है पॉलीफॉस्फेट है, सिट्रिक एसिड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मतलब चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब इनके यूजेस क्या हैं, यूजेस के बारे में पूछता है कि प्रिजर्वेटिव्स के यूजेस क्या हैं, क्यों इनको यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं, और इसका मेन यूज़ ये है कि ये दवा को ख़राब होने से प्रोडक्ट को, ऐसा नहीं कि सिर्फ दवा में ही यूज़ करते हैं इसको, जो फूड आइटम्स आते हैं उनके अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हों ठीक है ना। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देते हैं, ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, ये दे आर यूज टू कीप फूड्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स फ्रेशर या फ्रेश फॉर ए लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। और अब सब बातें वही है घुमा फिरा के बताया जा रहा है कि जो क्या कहते हैं फूड्स हैं या मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, कलर में चेंजेस ना आए उसको रोकने के लिए ठीक है ना, कलर में चेंजेस ना आए उसको इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, फ्लेवर में चेंजिंग ना आए उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, ऐसे दे आर यूज टू कीप कॉन्स्टेंट
दी पीएच प्रोडक्ट, पीएच ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का जो पीएच लेवल है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, यानी जैसा है वैसा ही रहे उसको रखने के लिए यूज किया जाता है। पीएच लेवल को बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि उसके लिए बफर सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है, अब ना ये जो आपका सिलेबस था इतना कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो कि फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, आपके सिलेबस में इनके बारे में पूछा नहीं है, लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये आपको आना चाहिए। ये कई बार आपके मतलब कहीं पे भी सिलेबस में आ जाएंगे। बाइंडर आप आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर क्या कहते हैं टेबलेट फॉर्मेशन के बारे में, तब वहां पर आ जाएगा बाइंडर, तो आप समझेंगे नहीं बाइंडर क्या है। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ लेंगे ना, ये बहुत सारे जो टर्म्स हैं तो आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी, बहुत सारी बहुत इससे आपको फायदा भी होता है और एक आध नंबर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने 10 यहाँ पे अलग अलग टाइप के फार्मास्यूटिकल एड्स यहाँ पे ले रखे हैं। आपने 3 तो पढ़े ही हैं, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटिंग। उसके अलावा कुछ बहुत सारे और भी फार्मास्यूटिकल एड्स यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनको उनको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्या है हमारा बाइंडर, क्या है बाइंडर्स यूज होते हैं। अब ये बाइंडर क्या होते हैं, तो दे बाइंड या स्टिक टेबलेट इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। मान लीजिए एक टेबलेट बना रहे हैं हम लोग, सॉलिड डोजेस फॉर्म में टेबलेट बनता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं बाइंडर्स को। तो ये क्या करते हैं, ये उस टेबलेट के जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको एक साथ में जोड़ के रखते हैं। अगर ये ना हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपस में चिपकेंगे नहीं, बहुत सारे पाउडर हैं जो एक साथ चिपक नहीं रहे, उनको कंप्रेस करके हम टेबलेट बना रहे हैं वो चिपक ही नहीं रहे, तो ये उसको क्या करते हैं एक साथ चिपका के रखते हैं, वो होते हैं बाइंडर। ऐसे क्या होते हैं कुछ फिलर्स यूज होते हैं, फिलर क्या करते हैं एड बल्क टू मेडिकेशन या क्या कहते हैं ड्रग। ठीक है ना, अब ये एड बल्क का क्या मतलब होता है, जो फिलर्स होते हैं वो समझिए कि जैसे कि मान लीजिए एक दवा है अल्प्राजोलाम या क्या कहते हैं निट्राजेपाम, डायजेपाम और भी बहुत सारी दवाएं हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसका आधा एमजी या 0.25 mg यूज होता है, लेकिन दवा इतनी बड़ी रहती है। ठीक है, तो दवा उसके अंदर बहुत थोड़ी सी होती है, 0.5 ग्राम। अगर उतनी बड़ी टेबलेट बनाए तो वो उसको आदमी पैक कैसे करेगा, लेके यूज कैसे करेगा, खाएगा कैसे, तो उसका साइज बड़ा करने के लिए उसमें कुछ चीज़ें मिला दी जाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिलर्स। ठीक है ना, उसी को कहा है कि एड बल्क टू मेडिकेशन या मेडिकल प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं उस मेडिक जो क्या कहते हैं टेबलेट है या कैप्सूल है या जो भी चीज़ है उसके साइज को ये बड़ा कर देते हैं, उसको बोलते हैं फिलर्स। ऐसे ही क्या है कि डिसइंटीग्रेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, प्रोमोट टेबलेट ब्रेकडाउन इन दी बॉडी फॉर एब्जॉर्प्शन। ये कह रहे हैं कि एक टेबलेट है, अब उसको हम लोग बॉडी के अंदर जब ले रहे हैं तो जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है जब वो बॉडी के अंदर जाता है या समझिए एक लिक्विड के अंदर जब जाता है तो उसको तोड़ने का काम करता है। अगर डिसइंटीग्रेंट ना हो उसके अंदर तो पता चला कि एक गोली हमने खाई वो पेट में वैसे ही गोली की गोली बनी है, तो जब टूटेगी नहीं तो फिर वो दवा जाके काम कैसे करेगी, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, समझ रहे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंचेगी, इसलिए उसको तोड़ना भी जरूरी होता है। आपने देखा होगा एक दवा आती थी डिस्प्रीन करके, उसको पानी में जैसे डालते एकदम से टूट के पूरा वो तुरंत टूटती है, समझ रहे हैं। और बहुत सारी दवाएं हैं, सब नहीं टूटेंगी, बल्कि उसके अंदर एक एफर्वेसेंट उसको टेबलेट बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे उसके अंदर डालेंगे वो टेबलेट फ़ौरन टूट के पूरे पानी में मिक्स हो जाती है। ऐसे ही दवाओं के अंदर डिस इंग्रेडिएंट यूज होते हैं ताकि वो जब बॉडी के अंदर जाएं तो जल्दी से टूट जाएं और एब्जॉर्ब हो जाएं। ऐसे क्या है लिब्रिकेंट्स यूज होते हैं, लिब्रिकेंट्स क्या है, प्रिवेंट इंग्रेडिएशन फ्रॉम स्टिकिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स। जैसे कि मान लीजिए टेबलेट बना रहे हैं तो उसमें मशीनें भी यूज़ होती हैं, उसको पीसने के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, उसको मिक्स करने के लिए यूज़ होती हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसे मिला देते हैं हम लोग जो उन दवा के इंग्रेडिएंट्स को, दवा के प्रोडक्ट को मशीन के साथ चिपकने से रोकती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, जो आपने पढ़ लिया अभी प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं दवा को खराब होने से बचाते हैं, डिग्रेडेशन होने से बचाते हैं। ऐसे कुछ हम लोग सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, हेल्प्स इन डिजोल्विंग अदर सब्सटेंस सॉल्यूट इन दी फॉर्मुलेशन। जैसे कि मान लीजिए एक सिरप बना रहे हैं, उसके अंदर हमको चीनी घोलना है, ठीक है ना, तो वाटर उसके अंदर हमने लिया, तो वाटर हमारा क्या होता है सॉल्वेंट होता है, और उसके अंदर जो हम लोग घोल रहे हैं चीनी वो सॉल्यूट हो गया। ठीक है ना, तो कई बार मतलब हमको असल में चीनी घोलना है, उसको घोलने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना, किसमें घोलें हम लोग उसको, तो उसके लिए सॉल्वेंट वगैरह यूज होते हैं। ठीक, ऐसे क्या कलरिंग एजेंट्स यूज होते हैं, जो आपने पढ़ लिया कलरिंग एजेंट जो प्रोडक्ट को कलर देते हैं, स्वीटिंग एजेंट जो उसको मिठास देते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट जो उसके अंदर फ्लेवर एड कर देते हैं। ठीक, ऐसे क्या इमल्सीफायर यूज होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि मान लीजिए दो इमिजिबल लिक्विड्स हैं, वो क्या कहते हैं, मान लीजिए एक तेल है आपके पास ऑयल, और
और दूसरा वाटर, अब दोनों को मिला रहे हैं तो आपस में मिलते ही नहीं है, तेल ऊपर चला जा रहा है, पानी नीचे हो जा रहा है, समझ में ऐसा होता है ना। तो ये जो नहीं मिल रही चीज़ें उनको मिलाने के लिए हम कुछ ऐसा ऐसी कुछ मतलब चीज़ें डाल देते हैं, कुछ ऐसा कंपोनेंट डाल देते हैं जो उनको आपस में मिला दे आसानी से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सी फायर, ठीक है ना। इसकी मशीन भी आती है मिलाने वाली, और कुछ चीज़ें भी आती है, कुछ केमिकल्स वगैरह उसको डाल देंगे आप, वो सारी चीज़ें जहाँ पे इसका आएगा नंबर वहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह। तो वो जो आपस में मिला दे उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सी फायर, ठीक। ऐसे क्या है, थिकेनिंग एजेंट यूज होते हैं। थिकेनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, हेल्प मेक द फॉर्मेशन थिक। जैसे कि मान लिया कोई क्रीम है, ठीक है ना, तो अब उस क्रीम को थोड़ा सा गाढ़ा करना है, समझ में आ रही बात, ऑइंटमेंट है उसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो उसको गाढ़ा करने के लिए कुछ चीजें उसके अंदर यूज होती हैं, तो उसको बोलते हैं थिकेनिंग एजेंट। ऐसे क्या है, डाइल्यूएंट्स यूज होते हैं, ये इसका उल्टा है। कोई लिक्विड है मान लीजिए, उसको थोड़ा सा और क्या कहते हैं डाइल्यूट करना है, बहुत गाढ़ा है उसको थोड़ा पतला करना है, तो उसके लिए जो चीज यूज करते हैं, मान लीजिए वाटर यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा क्या, डाइल्यूएंट्स। तो ये कुछ, ये 10 हो गए आपके अलग अलग क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स। अब हम लोग इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके सेशनल वगैरह के लिए काम आ जाएंगे और आपके फाइनल एग्जाम में भी काम आएंगे। सेशनल के लिए ज्यादा परेशान ना हुआ करिए, कॉलेज वाले तो नंबर वैसे भी आपको जितना है, मान लीजिए 20 नंबर है, तो 17, 18, 15, 16 आपके बिहेवियर को देख के भेजते हैं, आपके सेशनल के उस पे नहीं भेजते हैं, ठीक है ना, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, बल्कि आप टीचर के साथ में कितना बना के रखते हैं, कितना आप मतलब कितना आपके अंदर डिसिप्लिन है, कितना आप कॉलेज में अटेंडेंस आपकी है, ये सारी चीज़ों पर नंबर भेजते हैं वो लोग। फिर भी तो एक क्या है क्वेश्चन आपका, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है। राइट ए नोट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल्स। ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, जो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है बहुत डिटेल से, उसके ऊपर एक नोट लिखना है। ऐसे क्या है, व्हाट आर दी प्रिजर्वेटिव, एक्सप्लेन। प्रिजर्वेटिव क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिजर्वेटिव विद इट्स टाइप्स, एग्जाम्पल्स एंड यूजेस, ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव को उसके एग्जाम्पल के साथ में, टाइप के साथ में आपको बताना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं उनके अंदर आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो ये आपका जो तीसरा चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे इसका, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। अब इसकी जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ मैं अभी डाल नहीं पाया हूँ सेकेंड चैप्टर की भी, उसका जो फर्स्ट पार्ट की जो पीडीएफ थी, चूंकि सिस्टम मेरा इधर उधर होता रहा, कई बार बनने वनने के लिए बदलाया भी हो, तो इसलिए वो पीडीएफ मिस हो गया मुझसे, तो उसको मैं टाइप करके जब एड कर दूंगा तो दूसरा चैप्टर आपको दे दूंगा, ठीक है। और ये तीसरे चैप्टर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको लगता है क्या इसको पढ़ के मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तो जाइए और सेकेंड ईयर वालों के कमेंट्स देखिए। मैंने हाँ, और सेकेंड ईयर क्या, फर्स्ट ईयर के मैंने सिर्फ 5 या 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे डाले थे इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ पढ़ के बच्चों ने कॉलेज टॉप किए हैं। हालांकि वो मैंने बहुत बहुत थोड़ा कंटेंट उसके अंदर दिया, आप जाके देख पाएंगे, 3-3 वीडियोस हैं उसमें, पूरा सिलेबस कवर किया है, 10-10 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो बहुत थोड़ा सा कंटेंट दिया था, उसको पढ़ पढ़ के बच्चों ने कॉलेज टॉप किया है। अब तो मैं बहुत बाकायदा मतलब पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ, तो इस डाउट में ना रहिए कि इसको मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं, ढंग से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो वो कॉलेज भी टॉप करेंगे। और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या कहते हैं, ज्वाइन बटन के थ्रू आप जाके हमको एक बहुत छोटा सा अमाउंट, 29 रुपीज़, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो उसके थ्रू या और थोड़ा ज़्यादा अमाउंट, जितना आपकी कैपेसिटी है, जैसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। नहीं करना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।